नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है चक्रासन करने की, तो अब तो पता चल गया होगा कि वीडियो किसके ऊपर है। तो उससे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल योगा लाइफ में। मैं हूँ उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। तो चक्रासन बहुत तरीके से किया जाता है, सीधा लेट के उसके बाद चक्रासन में आया जाता है, स्टैंडिंग चक्रासन भी होता है, खड़े खड़े पीछे की तरफ झुक जाना, है ना। तो आज हम करेंगे बैठ के चक्रासन में कैसे जाना है। थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स हैं, तो जिनको थोड़ा योग करने का बहुत शौक है, जिनको अच्छा लगता है अपने शरीर के लिए काम करना, और जिनको नए नए आसन सीखने का बहुत मन होता है, तो ये वीडियो उनके बहुत काम आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा मेरे साथ साथ, और अगर आसन हो जाए तो बताइएगा ज़रूर, तो वीडियो को आगे भी शेयर करके जाइए, ठीक है। तो चलो बैठ के कैसे स्टार्ट करना है, मल आसन से। देखिए ये आसन वही लोग अभ्यास करें जिनके नीज, कंधे, थोड़ा कमर सब स्वस्थ हैं, बहुत ज़्यादा बैक पेन नहीं है, कोई इंजरी नहीं हुई है, कोई सर्जरी नहीं हुई है, आप हार्ट पेशेंट नहीं हैं, या बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है तो मत कीजिए, घुटनों में समस्या है तो मत कीजिए। तो थोड़ा से ये चीज़ें तो हमें पता होती हैं कि कौन सा हम एफर्ट कहाँ कर सकते हैं और कहाँ शरीर जवाब दे देता है कि नहीं ये होगा नहीं, तो है ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये ध्यान में रखनी है। तो क्या करना है, मल आसन इस तरह से, ये सबको मालूम है इस तरह मल आसन में बैठते हैं। इसके ऊपर वीडियो मैंने अच्छे से डाला हुआ है प्रॉपर। तो पंजे थोड़े टेढ़े 45 डिग्री पे, नीज थोड़े खुले हुए, तो दिस इज मल आसन, है ना। इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। तो मल आसन से अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब चक्र आसन करने के लिए बाजुओं का ये रोल होता है ना, ऐसी तो जाती हैं बाजुएं, तो कंधों का थोड़ा फ्लेक्सिबल होना, बैक का थोड़ा फ्लेक्सिबल होना, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी होनी चाहिए। तो थोड़ा हम वार्म अप करते हैं अभी यहाँ। तो ये सब करने से पहले एक आप भुजंग आसन का अभ्यास ज़रूर करिएगा, कोबरा पोज जो बहुत सिंपल है, उष्ट्रासन कर लें, थोड़े बैक बेंडिंग वाले आसनास जो होते हैं, धनुरासन कर लें, तो वो बॉडी को थोड़ा वार्म अप कर लें। डायरेक्ट ये मत कीजिएगा, मैं वो सब नहीं करके बता रही हूँ, वबली बताए मैंने, बैक बेंडिंग के थोड़े से प्रेपरेटरी पोजेस करिए, खुद को प्रिपेयर कीजिए। तो नेक्स्ट अब थोड़ा थोड़ा हाथ यहाँ रखते हैं, एक हाथ पूरा ऊपर से घुमाया, ये पीछे टच किया, इसको वापस लेके आए, दूसरा पूरा पीछे घुमाया, ये वापस लेके आए, ऐसे कम से कम 40 से 50 बार करो आप, ठीक है। ये मैं नहीं करूंगी अभी 40 से 50, बट आपको करना है इस तरह से। जब ये हो जाए अब क्या करेंगे, अब ये हाथ पूरा घूम के पीछे गया, अब देखो उंगलियां पीछे की तरफ ऑटोमेटिकली है ना, तो अब हम हाथ ये, अब थोड़ा सा बॉडी वेट पीछे डालेंगे ऐसे, ये करके, तो हाथ ने अपनी जगह खुद ब खुद ले ली। हाथ को यहाँ नहीं रखना है, ये नहीं बस घुमाया और यहीं रख दिया, थोड़ा सा शरीर का वजन हम पीछे की तरफ ये थोड़ा सा डाला, और ये आराम से, ठीक है, हाथ पे ज़्यादा झटका भी ना लगे, तो ये रख दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ से हम थोड़ा ऊपर की तरफ उठेंगे। अब जो दूसरा हाथ है ना, सोचो कि कोई आपका ये हाथ पकड़ के आपको ऊपर की तरफ खींच रहा है, बिना पैरों को छेड़े, बिना इस हाथ को डिस्टर्ब किए, श्वास लेते हुए, ये कितना जा सकते हो। अब एक चीज देखो, कुछ लोग क्या करेंगे, ये हाथ नीचे है ना, तो शरीर ऐसे कर लेंगे, ऐसे ये शोल्डर्स नीचे की तरफ, चेस्ट का ये पार्ट इधर नीचे की तरफ, नहीं ये नहीं करना है। हाथ पीछे ज़रूर गया है पर थोड़ा सा चेस्ट को सीधा रखना है सामने की तरफ। ये मैंने उष्ट्रासन के वीडियो में पहले भी बताया था, भुजंग आसन में भी ये चीज़ बताई है। तो चेस्ट सामने और ये ऊपर की तरफ उठने की कोशिश, ऐसे फिर वापस आए, ठीक है, इस हाथ को वापस लेके आए। अब दूसरा हाथ घुमा के थोड़ा सा पीछे रखा, चेस्ट को सीधा किया, ये ऊपर गए, फिर वापस आए, ये किया, फिर ये हाथ गया, फिर ये गया। तो इसको भी 15 से 20 बार करो, पहले उठने की कोशिश करो, कितना उठ पाते हो। ध्यान में रखना हाथ को अच्छे से बॉडी से थोड़ा दूर रखते हुए, ताकि उसको स्पेस मिले, यहाँ रखोगे तो नहीं उठा जाएगा। हथेली ऐसे नहीं रखनी है, पूरी फैला के रखनी है, इज दैट क्लियर। तो इस तरह से बॉडी को लिफ्ट करना है, बिना ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हुए,
ये मूवमेंट थोड़े दिन आपको करना पड़ेगा। जब आपके कंधों को, आपके शरीर को थोड़ा वजन उठाने की, आपके हाथों को वजन उठाने की आदत हो जाएगी, फिर नेक्स्ट पे आएगा। अब उसमें थोड़ा बैक की फ्लेक्सिबिलिटी काम करेगी, तो उसके लिए प्रेपरेटरी पोजेस करने पड़ेंगे, भुजंगासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा मैं बैक साइड से दिखाऊंगी, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये हाथ पीछे घूम के रखा हमने, इस तरह से रख दिया, ठीक है। अब यहां से ऊपर उठे, जैसे कि मैंने पहले बोला टेढ़े नहीं होना है, ऊपर की तरफ। अब इस हाथ को ना कुछ लोग क्या करते हैं, करने के चक्कर में ऐसे रख देते हैं, ऐसे करके, ये हो गया जी चक्रासन। नो, हाथ को दोबारा देखेंगे, ये ऊपर गए, इस हाथ को हमें यहां से साइड से नहीं लेके आना है, इस हाथ को हमें ऊपर से ये नीचे की तरफ रखना है, ऐसे। ये हो गया स्टैंडिंग से चक्रासन, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ऐड हुई, अगर आपने ध्यान दिया होगा मेरे इस हाथ पे ध्यान देना, ये ऐसे रखा था ना, पर जैसे जैसे वो हाथ नीचे आया, इसने अपना डायरेक्शन ये कर लिया, ये यहां से अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से नहीं घूमेगी, इस तरह से इसने घूम के अपना पोजीशन ये ले लिया, और जब मैं वापस आ रही थी तो वापस से इसने अपना हाथ घुमा के ये ले लिया, ठीक है। समय लग सकता है बट हो सकता है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। चलो अभी दूसरी बाजू से करके बताती हूँ, फिर से कंफर्टेबली मलासन, ये हो गया इतना। अब ये बाजू घूमा, इसको मैंने रखा पीछे, इस तरह से खोल के रख दिया। अब श्वास लेते हुए ऊपर गए, अब जैसे जैसे ये हाथ नीचे आएगा, वो हाथ ने अपना घूमना शुरू कर दिया, ये और ये चक्रासन, गर्दन पीछे की तरफ। अब मैंने फिर वापिस आना है, तो ये हाथ उठाया, ये हाथ घूम के फिर वापिस, ठीक। थोड़ी सी चीजों को समझना है और थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना है, पेशेंस बहुत चाहिए। जो बाजू ऊपर से जाएगी उसको साइड से शॉर्टकट नहीं मारिएगा, उसको पूरा यूं घुमा के नीचे लाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से ऊपर से। और वो तभी होगा जब आपकी शोल्डर ओपनिंग बहुत अच्छी है, आपका बैक बेंडिंग थोड़ा अच्छा है, आपका ये आर्मपिट वाला एरिया जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल है, तो उसके लिए ये मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो सिंपल है, बस थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये टिप्स और ट्रिक्स अच्छे लगे हैं तो अपनाइए, और मुझे बताइए कि कहाँ तक पहुँचे हैं, हुआ है या नहीं हुआ है, ज़रूर बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करके जाइए, मेरे परिवार के साथ जुड़िए, योगा लाइफ के साथ जुड़िए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तीनों जगह आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है मेरे साथ ऑनलाइन योगा क्लासेस करने की, तो नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करिए। धन्यवाद।